तो कैसे हैं आप सब? मस्त, जबरदस्त और बिंदास। उम्मीद करते हैं लॉकडाउन के चलते हुए आप सब लोग घर में स्वस्थ सुस्त और अच्छे होंगे। और इस लॉकडाउन के चलते हुए आप सभी लोग जो है नए तरह ही स्मार्टफोन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और दिन भर शायद इसको यूज़ करते हैं। और पता ही आप लोगों को स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, इसका जो बैटरी है बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी का सलूशन लेकर आज मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं वीडियो में बढ़ते हैं। और वीडियो से बनने से पहले आपको मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर उससे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को देखने के बाद ऑब्वियसली। और वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। वो लॉकडाउन होया मेरा गाम सुन ले, लागता ना गेड़ा हला तो तेरे शहर का। दोस्तों आजकल स्मार्टफोन जो है बहुत ही ज्यादा यूज में आ रहे हैं और इसके यूज के चलते हुए इसका जो बैटरी लाइफ है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब बैटरी जो है बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आज वीडियो में बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टिप्स है, आप टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा अपने मोबाइल में जो है डार्क थीम यूज़ कीजिए। यह दोस्तों आप अपने हमेशा अपने मोबाइल पे डार्क थीम यूज़ कीजिए। इसका भी मैं कारण बता दे रहा हूँ कि हमारे मोबाइल जो है अभी ज़्यादातर अपग्रेड में हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ QLED की। यह दोस्तों अगर आपके पास LED स्क्रीन है तो ये वाला टिप आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर करके अभी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास LCD स्क्रीन है तो LCD स्क्रीन में होता क्या है कि 3-4 लेयर होते हैं और उसके बाद जो होता है एक बहुत सारे छोटे छोटे LED होते हैं, लाइट्स होते हैं, वो बैकग्राउंड में जलते रहते हैं और आप अपने हिसाब से जितना भी मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उस लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लेयर है उसमें फ़र्क पड़ता है और आपको जो है ब्राइटनेस कम का बढ़ता हुआ दिखता है। और बात करें QLED की, तो QLED में इसका उल्टा है। QLED में जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं वही एक एक पिक्सल जो है लाइट्स होते हैं असल में। तो जितना ज़्यादा आप डार्क थीम यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो बैकग्राउंड को जो छोटे छोटे पिक्सल है वो उतना ही ज़्यादा आपका जो बैटरी जो है कम कंज्यूम करेगा और आपका जो बैटरी लाइफ है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में डार्क थीम नहीं है तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके भी बहुत सारे ऐप आते हैं डार्क थीम के लिए, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने और आप जितने भी मतलब मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इसका भी डार्क वाला मूड आता है तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह आप इसको जो है अप्लाई करके अपने डार्क थीम को ला सकते हैं। और डार्क थीम जो है मेरा मानना है बहुत ही कूल लुकिंग देता है, तो हमेशा डार्क थीम यूज़ कीजिए और डबल बेनिफिट पाइए, यानी आपका मोबाइल का जो बैटरी लाइफ है उसको भी इंक्रीज करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप है वो है कि अगर आप घर में हैं अभी और आप यूज़ करना चाहते हैं डाटा को, तो अगर आपके पास वाईफाई है तो ज़रूर उसको अपने मोबाइल को जो है वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और वाईफाई का डाटा यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मोबाइल का डाटा यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल का जो नेटवर्क है अप डाउन होता रहता है और इसके चलते आपका डाटा जो है भी वो भी अप डाउन होता है और इसके वजह से आपका जो बैटरी है बहुत ही जल्दी ख़त्म होता है। ये ट्रिक दोस्तों आप करके देखिए, 100% आपका जो बैटरी है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप हमेशा अगर घर में रहे जरूर से वाईफाई यूज़ कीजिए, अगर आप घर में नहीं हैं बाहर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो दोस्तों अगला जो ट्रिक है बहुत ही वाइटल नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत वाइटल है, तो इसको मैं आसान तरीके से भी कर सकता हूँ तो आपको बता दूंगा। इसका आसान तरीका जो है ऐप आता है इसका, तो इसका आसान तरीका मतलब ये जो पहले इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तीसरा जो टिप है तो ये है कि हम लोग दिन भर में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बार बार ओपन करते रहते हैं और बार बार जिसको है मतलब क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि ये ऐप जो है हमने क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो जाता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऐप क्लोज नहीं होता है। ये अपने बैकग्राउंड में आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रनिंग करता रहता है, यानी कि आपके बैकग्राउंड में ये जो ऐप है चलते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ये बैटरी कंज्यूम करते हैं। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अपने अगर मोबाइल में अगर एंड्रॉयड अगर आपके सेटिंग में बैटरी सेक्शन है तो उस पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा ऐप जो है आपका बैटरी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और इसको आप बैकग्राउंड ऑप्शन में जाके इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, या तो आप अपने ऐप सेक्शन में जाके इसको बैकग्राउंड प्रोसेस को भी आप स्टॉप कर सकते हैं स्टॉप दबा के। और अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है सब करने में, मैंने पहले बताया आपके मेरे पास एक जुगाड़ है,
तो ये जुगाड़ है कि प्ले स्टोर में एक ऐप मिलता जो कि बिल्कुल फ्री है। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री है और इसका नाम है ग्रीनिफाई। इस ऐप की मदद से आप एक क्लिक से जो बैकग्राउंड मतलब ऐप है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं और आपका जो बैटरी लाइफ है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो चौथा टिप की तरफ, जो चौथा टिप जो है अपने मोबाइल को चार्जिंग को ज़्यादा करने के लिए, वो ऑब्वियसली चार्जिंग और मोबाइल से रिलेटेड है, यानी चार्जिंग आपका मोबाइल कितना देर होता है इसके रिलेटेड है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जब आप अपने मोबाइल को चार्ज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज करें। क्यों? तो हम लोगों में से बहुत से मतलब ऐसे हैं तो मोबाइल को मतलब मोबाइल में वीडियो देखते देखते या तो मोबाइल में गेम खेलते खेलते या तो मोबाइल पर बात करते करते मोबाइल का जो है चार्ज करते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी हम लोगों को करना नहीं चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। क्यों रिस्क होता है? कि आपका जो बैटरी है वो मान लीजिए कि 3100 mAh का है, चाहे कोई भी mAh का हो, तो आपको एक सप्लाई मिलता है मतलब आपके मोबाइल को एक mAh का मतलब मान लीजिए कि 3100 में उसको वो सप्लाई देता है 2400 या 2500। उसी दौरान आप अगर मोबाइल में चार्जर पिन जो एंटर करते हैं, चार्ज लगाते हैं, तो इसका जो mAh है वो अपने हिसाब से कवर नहीं कर पाता है और बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। इसके चलते आपका बैटरी लाइफ जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकता है और आपका मोबाइल का चार्ज जो है बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप हमेशा अपने मोबाइल को जो है स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगा दीजिए, चार्ज पे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रात में इसको कर सकते हैं, रात में मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज पे लगा दिए और आराम से नींद सो सकते हैं और उसके बाद सुबह उठ के आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ कुछ व्यूअर ये भी बोलेंगे, अरे भाई मैं अगर मोबाइल को पूरी रात अगर चार्ज में लगा कर रख दूंगा तो मोबाइल ख़राब हो सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, के जो मोबाइल और चार्जर है बहुत ही अपग्रेड हो चुके हैं। अगर बात करें कि 10 साल पीछे के मोबाइल के, तो क्या होता था कि उसमें कोई सपोर्ट चार्जर में कोई ऐसा IC नहीं रहता था, या तो मान लीजिए अपग्रेडेड चार्जर नहीं था। अभी क्या हुआ कि अगर आपको आपके मोबाइल जब 100% चार्ज हो जाता है तो चार्जर आपके मोबाइल को पावर सप्लाई देना बंद कर देता है, यानी कि आपका मोबाइल जब 100% चार्ज में फुल हो जाता है तो आपका जो मोबाइल और चार्जर है वो बीच से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, मेरा मानना है और मैं गारंटी लेता इसका। तो दोस्तों बढ़ते लास्ट टिप की तरफ। लास्ट टिप जो है बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है कि इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज, यानी बैकग्राउंड में बहुत सारे डाटा जो है सिंक्रोनाइज होते रहते हैं, यानी कि जैसे कि मेल हो गया या तो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या तो प्ले स्टोर कोई अपडेट हो गया, तो इस सिंक्रोनाइज को आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए आप इस सिंक्रोनाइज को सिंपली जो है बंद करके रखिए। बंद करने से क्या होगा, आपका जो नेटवर्क है डाटा है बहुत ही कम यूज़ करेगा और आपका जो बैटरी लाइफ है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में था इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।